शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो बैंकों के एटीएम बूथ को लेकर है, जिसकी सर्विस को जो है सीमित कर दिया गया है। तमाम बैंकों के एटीएम बूथ देखा गया कि देर रात वो काम ही नहीं करते। दूसरा क्या है कि ये गार्ड रहित एटीएम बूथ आजकल सब जगह देखे जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को एटीएम ऑपरेट करने के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और धोखाधड़ी की आशंका भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, एक तरफ तो पूरा देश इस समय जो है बेरोजगारी की जैसी जटिल समस्या से जूझ रहा है, सरकार और निजी क्षेत्र के तमाम जो है लोग लगे हुए हैं बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए, वहीं जो राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र का जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहाँ से गार्ड अपने एटीएम बूथों से जो है गार्ड को हटाकर कहीं ना कहीं बेरोजगारी के आंकड़ों में इजाफा कर रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर भी जम्मू कश्मीर बैंक के करीब 1500 एटीएम हैं। तमाम निजी और राष्ट्रीय बैंकों को मिला लिया जाए तो ये संख्या 4-4.5 हज़ार तक पहुंच जाती है और हर एटीएम बूथ में 2 शिफ्टों के अंदर गार्डों की तैनाती की गई थी, यानी लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब गार्डों पर जो है वो बेरोजगारी की तलवार लटक चुकी है और बहुत सारे गार्डों को जो है वो हटा भी दिया गया है। आज शिवसेना जम्मू कश्मीर सरकार से, आरबीआई से जो बैंकों को कंट्रोल करता है, ये अपील करती है कि एक तो 24/7 जो है एटीएम की जो है वो चालू रखा जाए, दूसरा तमाम बैंकों को हिदायत दी जाए, निर्देश जारी किए जाएं कि हर एटीएम बूथ के अंदर गार्ड की तैनाती को सुनिश्चित बनाया जाए।